Hi guys, this is Keshav Balpani. Welcome back to 12 Minutes to CLAT. Today I'm going to discuss a very important part of your CLAT preparation, which is the mock tests. So everything, anything that you know or need to know about a mock test is going to be a part of this particular session. Now there are a lot of misconceptions that people would tell you ki itne mock test karne chahiye, aise karne chahiye, itne time baad karne chahiye. We also have these kinds of doubts. A lot of students ask me ki sir, abhi hamara syllabus pura nahi hua hai. To ek bar syllabus pura kar lete, fir mock test denge. Now, ये क्वेश्चन गलत है, बट इसमें आपकी गलती नहीं है. क्यों? क्योंकि हम लोगों को स्कूल में अभी तक उसी तरह से पढ़ाया गया है, राइट? दैट इज व्हाट वी हैव डन इन स्कूल सो फार. चाहे हम कोई भी क्लास में हो, पहले वी वर टॉट इन आवर क्लासेस एंड देन वी यूज टू गिव टेस्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज बीइंग टॉट इन द क्लास, राइट? तो ये एक नॉर्मल सा प्रोसीजर है दैट वी हैव बीन फॉलोइंग ऑल थ्रू आवर लाइफ. बट क्लैट प्रेपरेशन और एनी अदर नेशनल लेवल एग्जाम प्रेपरेशन इज वेरी डिफरेंट. क्लैट में अगर आपको कोई एग्जैक्ट सिलेबस बता देगा ना, तो मैं मान जाऊंगा. कोई एग्जैक्ट सिलेबस ही नहीं है क्लैट का. तो आप कितने भी टाइम क्लैट के लिए प्रिपेयर करते रहो, आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर ऐसा नहीं लगेगा कि नाउ आई एम 100% प्रिपेयर, अब मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा. ऐसा नहीं होता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू क्लैट प्रिपरेशन एंड मॉक टेस्ट साइमल्टेनियसली, साथ साथ दोनों करना बहुत जरूरी है. नाउ यू वुड से कि सर अभी तो हमें आधे से ज्यादा चीजें आती ही नहीं है, फिर हमारे कम मार्क्स आ जाएंगे, हम डीमोरलाइज हो जाएंगे. जब तक आपके कम मार्क्स नहीं आएंगे ना, आपको ये समझ नहीं आएगा कि कितने इंप्रूव करके कितने ज्यादा लाने. Most of the CLAT aspirants you talk to, they would say कि हमारे पहले mock test में 150 का अगर था तो 20, 25, 30 आए थे. 120 में से भी लोग यही बोलते हैं हमारे 20, 25, 30 आए थे. वो 20, 25, 30 पहले लाए थे, उनका उनका लेवल समझ में आया, तभी वो उस लेवल से आगे बढ़ पाए और वो कुछ अच्छा कर पाए. ठीक है, तो जितना आप डीले मॉक टेस्ट देने में करते रहोगे, उतना डीले होता रहेगा आपकी क्लैट प्रिपरेशन को ट्रैक पे आने में और पॉइंट पे आने में. ये थोड़ी सी एक अनकंफर्टेबल चीज भी है. आई मीन क्लास में सुनना या फिर आज इस बात को जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो सुनना बहुत आसान है ना. आधे लोग तो प्रैक्टिस और अभी अपने बेड पर लेटे होंगे, अपने फोन में सुन रहे होंगे, राइट? तो ये बहुत आसान है, इट्स वेरी कन्वीनियंट. लेकिन जब वो बैठ कर 2 घंटे मॉक टेस्ट देना, उसमें काफी सारे क्वेश्चन का प्रेशर लेना, सारे सेक्शन हमसे हो भी नहीं पाते स्टार्टिंग में, तो वो सारी चीजें करना इज यू कुड से एक तो हेक्टिक है थोड़ा सा, बिकॉज आपको बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रहना पड़ता है उसके लिए. एंड ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग एक तरह से हर कुछ है ना रोज रोज एक तरह से हसल करें ताकि आप मॉक टेस्ट के लिए तैयार रहे. सो लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू कि मॉक टेस्ट के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए, किस तरह से आपको स्टार्ट करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए. यहां पर बहुत ये इंपॉर्टेंट है, जब भी आप अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करो, अभी आपके पास काफी समय प्रेपरेशन को प्रॉपरली स्टार्ट करने का, तो अच्छे से अभी से स्टार्ट करो. 2 से 3 वीक के अंदर मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो. तो करीब 15 से 20 दिन का एक विंडो होता है वेन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट क्लैट. आई मीन नॉट द कॉन्सेप्ट्स, बट आपको ये समझ में आ जाता है कि अच्छा क्या क्या सेक्शंस आते हैं, वो कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, फिर वो प्रिपेयर आप करोगे. दैट्स अ प्रोसेस है ना. हम लोग तेज रीडिंग करना सीखेंगे, हम लोग कॉम्प्रिहेंड करना सीखेंगे, करंट अफेयर्स सीखेंगे, मैथ्स के कॉन्सेप्ट सीखेंगे, लीगल रीजनिंग नया सब्जेक्ट है उसको सीखेंगे. ऑल ऑफ दैट इज ऑब्वियसली गोइंग टू हैपन एंड वो साथ साथ चलता रहेगा. बट विद इन 15 to 20 days गिव योर फर्स्ट मॉक टेस्ट. इवन इफ यू स्कोर अ 25 or 30, बिलीव मी एवरी टॉपर हैज बीन देयर और वहीं से वो लोग उठे हैं ऊपर. सब लोग वहीं से ऊपर उठे, उसके बाद में उन्होंने अच्छा करना शुरू किया है. उसके अलावा ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन करीब 80 से 100 मॉक्स टारगेट करो. टारगेट 80 to 100 मॉक्स, विच इज गोइंग टू बी यू कुड से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्टार्ट स्लो, ऐसा नहीं है कि अभी से मतलब 80 to 100 का मतलब है. अगर आपके पास 10-12 महीने की प्रिपरेशन है, 12 महीने भी माने, तो 100 इज लाइक यू कुड से रफली स्पीकिंग 8 मॉक्स पर मंथ, तो 2 मॉक पर वीक हो गए. लेकिन हम आगे जाकर उसकी इंटेंसिटी बढ़ाते हैं. इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इवन इफ यू डू वंस अ वीक दैट्स ओके, बट वंस अ वीक यू हैव टू डू इट. ऐसे नहीं कर सकते कि इस वीक एक भी नहीं किया, मैं अगले वीक 2 कर लूंगा. एक वीक में एक, उसको हम उसके बाद में प्रॉपरली एनालाइज करेंगे. एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कैसे करते हैं मैं आपको आज की क्लास में समझाऊंगा. उसके अलावा डू सेक्शनल टेस्ट ऑल्सो. वॉट आर सेक्शनल टेस्ट? मॉक टेस्ट हैज 5 सेक्शन बैक टू बैक. सेक्शनल टेस्ट होते हैं 1 या 2 सेक्शन के अलग अलग सेक्शनल टेस्ट करना. नाउ दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल टेल यू व्हाई. बिकॉज आपको कई बार पूरा मॉक टेस्ट करने में थोड़ा सा आलस भी आएगा और आपसे उसमें अच्छे से हो भी नहीं पाएगा. तो आप पूरा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने से पहले एक दिन में एक सेक्शनल टेस्ट भी कर सकते हो. सेक्शनल टेस्ट करने का फायदा ये रहता है कि आपको कम समय में ये समझ में आता है कि आपसे एक सेक्शन के कितने क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं, एंड दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तो साथ साथ सेक्शनल टेस्ट करो और मॉक टेस्ट हफ्ते में एक करना शुरू अब कर दो. अगर आपकी प्रिपरेशन को 10 से 12-15 दिन हो गए, 2 वीक से 3 वीक्स हो गए, तो आप शुरू कर सकते हो. उसको अननेसेसरली डिले करने का कोई पॉइंट नहीं है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वंस यू डू अ मॉक टेस्ट हाउ टू एनालाइज दैट. जब आप मॉक टेस्ट स्टार्ट करोगे तो आप एक टारगेट बना के रखना अपना. योर टारगेट
is going to be, okay, your target is going to be out of 120 questions, do 80. ठीक है, अगर आपने 120 में से 80 questions भी कर लिए, so that is good enough for you. ठीक है, वो आपके लिए काफी है. इतने का शुरुआत में टारगेट करा सकते हो पहले के एक दो महीने में, है ना. फिर धीरे धीरे उसको 85, 90, फिर धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस पे लाएंगे. अब मान लो आपने 120 में से 80 क्वेश्चंस किए, 80 क्वेश्चंस में से आपके 50 क्वेश्चंस सही हो गए और 30 क्वेश्चंस गलत हो गए, है ना. ये होगा, ऑपोजिट भी हो सकता है, 30 सही 50 गलत भी हो सकता है. मैं एक ऑप्टिमिस्टिक फिगर लेके चल रहा हूं. तो ये जो सही हो गए ये तो सही हो गए, अब इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं हमें. तो इसको, इस पर आप नॉर्मली काम कर सकते हो, यू कैन नॉर्मली वर्क ऑन दिस, राइट. अब जो गलत हुए ना उनको सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं, मतलब सबसे इंपॉर्टेंटली एनालाइज करते हैं. सबसे पहले तो हम सही वालों को एनालाइज करते हैं. देखो, अब आप बोलोगे कि सर जो सही हो गया उसको एनालाइज करने का क्या पॉइंट है, वो तो आता ही है हमें. कभी कभी तुक्का भी लग जाता है. तो कभी भी आप मॉक टेस्ट देते हो ना, तो यू ऑल्सो गेट अ डिटेल्ड आंसर की विद इट. तो वो डिटेल्ड आंसर की में देख लो कि मैंने जो सोचा था उसी वजह से मेरा आंसर सही है, मेरा को तुक्का लग गया. तो 50 क्वेश्चन में बहुत कम टाइम लगेगा आपको. फिर बचे ये 30 क्वेश्चन जो गलत हुए आपके. नाउ व्हेनेवर यू आर डूइंग अ मॉक टेस्ट, आपको ये पता है कि मॉक टेस्ट करने में भी आपने चाहे गलत क्वेश्चन को मार्क किया, गलत ऑप्शन को मार्क किया, बट कोई तो लॉजिक लगाया होगा ना. मान लो आंसर ऑप्शन नंबर ए है, आपने ऑप्शन नंबर सी मार्क कर दिया, सी के पीछे कोई तो लॉजिक होगा आपका, चाहे वो गलत लॉजिक हो. तो यहां पर इन 30 क्वेश्चन में बहुत ध्यान से हमको देखना है कि हमारा क्या लॉजिक था और एक्चुअली आंसर की में क्या लॉजिक दे रखा है, किस तरह से उस क्वेश्चन को डील करना था. वेन यू डू दिस एनालाइजिंग का जो एक्सरसाइज है वेरी प्रॉपरली, तो आपको समझ में आता है कि अच्छा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं. फिर धीरे धीरे क्या, हैव यू हर्ड ऑफ समथिंग कॉल्ड मसल मेमोरी. मसल मेमोरी का मतलब होता है कि आप लोगों के दिमाग में पहले से ही आ जाता है ना. कुछ चीजों को करते 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 अपने आप समझ में आता है कि अच्छा तो ऐसी होती है. इसलिए एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप मॉक टेस्ट को उसके बाद में एनालाइज नहीं कर रहे हो तो मत करो मॉक टेस्ट, इट्स यूजलेस. 2 घंटे लगते हैं मॉक टेस्ट करने में, और कम से कम 2 घंटे लगते हैं उसको एनालाइज करने में प्रॉपरली. एनालाइज करने की कई सारे टॉपर बच्चे होते हैं, वो अपनी बुक्स बनाते हैं, दे हैव नोटबुक्स ओनली फॉर एनालाइजिंग. वो देखते हैं हमने क्या क्या गलतियां करी, राइट. अब इसमें ये तो हुए 80 क्वेश्चन, बट हमने तो 40 क्वेश्चन छोड़े थे. उन 40 क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करो बाद में. सॉल्व दोस क्वेश्चन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अनलेस एंड अंटिल यू सॉल्व देम यू विल नॉट बी एबल टू डू वेरी वेल. आप ज्यादा अच्छा कर नहीं पाओगे उसमें, राइट. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यू वुड से अंडरस्टैंडिंग दैट यू नीड विद रिस्पेक्ट टू मॉक टेस्ट. अब जब आप मॉक टेस्ट कर लोगे ना, ये हमेशा दिमाग में रखना कि मॉक टेस्ट करके उसको एनालाइज करने के बीच में ज्यादा समय नहीं होना चाहिए. मान लो आपने किसी संडे को मॉक टेस्ट किया, आप ये मत डिसाइड करना कि अब मैं ट्यूसडे वेनसडे को अपना मॉक टेस्ट एनालाइज करूंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो आपका गलत लॉजिक भी था वो भी आपको अप्लाई करके देखना है कि कैसे वो मेरे एग्जामिनर के लॉजिक से अलग है. तो यू विल नॉट बी एबल टू डू इट आफ्टर 2-3 डेज, बिकॉज आप भूल ही जाओगे ना कि आपने क्या सोचा था उस आंसर को मार्क करने से पहले. तो इसीलिए प्लीज मेक श्योर दैट यू एनालाइज योर मॉक ऑन द सेम डे. कोशिश करो कि मॉक को 2 से 4 PM पर दो. अगर आपका स्कूल होता है तो सैटरडे संडे को कोशिश करो मॉक टेस्ट करने की, ठीक है. 2 to 4 PM पर आपको मॉक टेस्ट देना है. यू कैन टेक अ 2-hour break, ठीक है. 4 से 6 फुल ब्रेक ले सकते हो, 6 बजे के बाद एनालाइज कर सकते हो, बट एनालाइज सेम डे ही करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू डोंट डू इट, वो पूरा प्रोसेस का मतलब फ्यूटाइल हो जाता है. तो ये छोटी छोटी चीज है जिसमें आलस करने का कोई पॉइंट नहीं है. मॉक टेस्ट करना कवर 50% ऑफ योर क्लैट का प्रिपरेशन, इतना इंपॉर्टेंट होता है मॉक टेस्ट. दैट्स वाई मॉक टेस्ट पर मैं हमेशा आपको ओवर द ईयर अलग अलग बातें बताता रहूंगा, ठीक है. साथ साथ आप सेक्शनल टेस्ट भी कर सकते हो. तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, हमारे पास एक फ्री मॉक टेस्ट है आपके लिए ऑन दिस 12minutes to clat.com. आप यहां पर जाकर इस फ्री मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है. अटेम्प्ट इस फ्री मॉक टेस्ट. उसके अलावा भी हम मॉक टेस्ट सीरीज ऑल्सो, जहां पर आपको 60+ मॉक टेस्ट देंगे. तो आप हमारे पोर्टल पर जाकर, अगेन 12minutes to clat.com पर ही जाकर अटेम्प्ट कर सकते हो. इसका PDF हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है. तो बाद में आप उसका PDF भी डाउनलोड करके, अगर आपको कभी और अपने डाउट्स वगैरह देखने कुछ देखना है तो आप वो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना. तो दैट्स समथिंग यू कैन डू. उसके बाद में हर वीक अपडेट होंगे. अभी अगर आप जाकर देखोगे तो आपको 1-2 टेस्ट ही दिखेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली अभी सारे में एक साथ 60 अपलोड कर दूंगा तो उनका GK पुराना हो जाएगा. तो जैसे GK नया आता रहेगा तो हर वीक उसको अपलोड करते रहेंगे. आपके एग्जाम डे तक करीब 60+ ही होगा, 60 से कम नहीं होगा, है ना. उससे ज्यादा ही हम लोग मॉक टेस्ट इसमें रखेंगे ताकि आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर सको. उसके अलावा इफ यू आर न्यू टू क्लैट 25, यू वॉन्ट टू प्रिपेयर विद अस, वी हैव अ वेरी लूक्रेटिव बैच फॉर ऑल ऑफ यू विच इज RM+, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो. इट विल हैव क्लासेस फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स. क्लासेस कैन ऑल्सो बी एक्सेस्ड इन रिकॉर्डिंग. अगर आप कभी लाइव मिस कर जाओ तो आपके लिए रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहेंगी.
वी विल सेंड आर ऑफलाइन मॉक टेस्ट टू योर हाउसेज। तो ये जो पर्टिकुलरली ये जो मॉक टेस्ट का सीरीज है ना, ये इस बैच का ही पार्ट है, बैच के साथ फ्री है ये, ठीक है। तो बैच में आपको मिल जाएगा, उसके अलावा 60 ऑफलाइन मॉक टेस्ट भेजेंगे, मतलब आपके पास 120 से ज्यादा मॉक टेस्ट हो जाएंगे। तो 60 तो आपके पास पोर्टल पर ही है, ये अलग मॉक टेस्ट है। तो ये आपके घर पे आएंगे साल में 3 बार, 20-20-20 करके, ताकि इनका भी करंट अफेयर्स पुराना ना हो, है ना। और बुक्स आपको घर पे भेजे जाएंगे, यू विल गेट योर बुक्स एट योर हाउसेज, स्ट्रेट अवे आपको डिलीवर करेंगे। दिस डिलीवरी विल स्टार्ट इन जनवरी स्टार्टिंग, ठीक है। जनवरी 1 से 10 के बीच में सबके घर पे बुक्स पहुंच जाएंगी, एंड दैट इज वॉट वी आर प्लानिंग। ये सारी बुक्स हमारे पास आ चुकी है, वी आर नाउ डिस्पैचिंग इट ऑलरेडी, ओके। तो आप ये भी 12minutes.com पर जाकर देख सकते हो। सो ये बहुत ही लुक्रेटिव बैच है, इट्स वेरी रीजनेबली प्राइस, बिकॉज मेरे को पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो शायद अफोर्ड नहीं कर पाते चीजों को, तो वी हैव प्राइस इट वेरी रीजनेबली फॉर यू। आप 12% ऑफ और ले सकते हो यहाँ पे, आप मेरा कोड है मालपानी वो यूज कर सकते हो, यू विल गेट अ 12% ऑफ ऑन ऑल दी बैचेस। अगर आपको बुक्स और ऑफलाइन मॉक्स की जरूरत नहीं है, आपको लग रहा है कि नहीं मैंने पहले भी वो प्रिपरेशन करी थी, मेरे को सिर्फ क्लासेस देखनी है प्रॉपर्ली और ऑनलाइन मेरे को मॉक्स और सेक्शनल टेस्ट वगैरह करने हैं। अच्छा, बाय द वे, इसमें एक सेक्शनल टेस्ट सीरीज हम अलग से डालेंगे, जो भी इसके पार्ट जो भी इसमें फ्री होगा, है ना, इस बैच के साथ वो भी फ्री होगा, वो इसमें भी आएगा। इसमें ऑफलाइन मॉक टेस्ट और बुक्स नहीं है, उसके अलावा बाकी जो क्लासेस हैं, जो ऑनलाइन हमारे टेस्ट है जो हमारे पोर्टल पर, या फिर कह सकते हो कि यू नो सेक्शनल टेस्ट वगैरह है, वो सब इसका भी पार्ट है। तो आप आरंभ भी ले सकते हो, बट अगर आप नए एस्पिरेंट हो जो पहली बार प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट आरंभ प्लस टू यू गाइस, राइट। सो दैट इज अबाउट दिस पर्टिकुलर सेशन, आई होप इट वॉज यूजफुल। मॉक्स के बारे में आपको काफी कुछ समझ में आया, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है ना, मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स, आई बी वेरी हैप्पी टू आंसर इट फ्रॉम देयर। थैंक यू सो मच गाइस, कीप स्माइलिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड नाउ।